अब मुसलमान जो है खौफ व हिरास में, इनको डराओ, है ना, और यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, राज करो। नंबर वन, ये देश अब एक हो गया है। नंबर टू, ये गलतफहमी ना पालें, यहाँ बहुत सारे मोहम्मद शफी हैं, अगर ये आए तो इनको जब आप जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब मिलेगा इनको। इनके बाप दादाओं में दम नहीं है कि बलि वली की जो बातें कर रहे हैं कर लें, गए वो जमाने। तो ये जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग तैयार हैं। मुसलमानों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ अपने क्षेत्र में आवाज उठाएं। अगर ये इकट्ठे हो करके मुसलमान अपने क्षेत्र में नमाज पढ़ सकते हैं, उसमें हमें टेंशन नहीं है। तो जो टेंशन करनी है अब इन संघ परिवारों को करनी है, जो अभी अभी जवान हुए, चड्डी पहनकर पैंट पहनना सीखे हैं, उनको ये पता नहीं कि पैदाइश से ही और सालों से ही हमको, हमारा ईमान वो है कि हम जीते ही मरने के लिए हैं। वसीम रिजवी जैसे जो लोग हैं जिनका नाम लेना भी जो है हम लोग तो बराबर नहीं समझते, जिसकी वजह से आपने कहा कि ये कुरान की बात कर रहे हैं, इनकी औकातें नहीं हैं, इनको जवाब नहीं मिले हैं। जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफी की गई, उसी को लेकर के तमाम लोग आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक ऐलान किया गया था, उस ऐलान के पीछे की भी बातें आपके सामने रखूंगा। आप देख सकते हैं मोहम्मद शफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, काले कुर्ते पजामे में हैं, जो कि अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं आज के दिन, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आना जरूरी है। क्योंकि पहले ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आपकी तरफ से कि आप लोग आज प्रोटेस्ट करेंगे 6 दिसंबर के दिन जंतर मंतर पर जंतर मंतर से जब हम गुजर करके आए तो वहां विजय दिवस मनाया जा रहा है हिंदू महासभा संगठन द्वारा, तो किस तरीके से देखते हैं आपकी परमिशन को रद्द करके जंतर मंतर से अलग प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी गई? हाँ, हम लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हैं, तो हमारे लिए तो सीधा ये जो गूंगी बहरी सरकार है यहाँ पार्लियामेंट में जो बैठी हुई है उनको सुनाना ज़रूरी है। तो क्योंकि परमिशन जो यहाँ मिली है अपनी बात को रखा, और जो देश के असल आतंकवादी लोग हैं, देश विरोधी या देश के संविधान मतलब देशद्रोही लोग हैं, वो लोग आज शौर्य दिवस मना रहे हैं या विजय दिवस मना रहे हैं। और जो देश को प्रेम करते हैं, जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर हमारे साथ खड़े हैं। और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आप ये धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये आज हम पूरे इंडिया में विधानसभा स्तर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर से पूरे इंडिया के अंदर हम लोग विधानसभा स्तर पर इसको कर रहे हैं। और मकसद एक ही है कि हम सालों से, जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तब पूरी आवाम को बताने की, तब से हम सालों से कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये बाबरी मस्जिद का जो मसला है ये अकेले मुसलमानों का नहीं है, इसमें 2-3 एंगल हैं। नंबर वन तो ये कि वो लोग जो दलितों पर, आदिवासियों पर और जो पसमानदा तबकात हैं, मजलूम तबकात हैं, उन पर वो जुल्म ज्यादती करना चाहते हैं, वो चतुर्थ वर्णा को और वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो वो वापस से अपनी सत्ता पर काबिज होने के लिए कौन रुकावट बनेगा, उसमें उन्हें मालूम है कि ऐसे एक कौम जो मुस्लिम कौम है जिसका सबसे पहला ईमान यह है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो, जुल्म हो, अन्याय हो तो उसे हाथ से रोके, नहीं तो उसको मुंह से रोके, सबसे गिरा हुआ है कि कम से कम दिल से बुरा जाने। तो ये कम्युनिटी जानती है कि ये नाइंसाफी नहीं होने देगी, इसलिए इनका, इनके खिलाफ हमारे को पूरे देश को अलग लेकर जाना है, इसलिए इन्होंने ये गुजरात राइट्स हो, बाबरी मस्जिद का इशू है, ये लोग जो लेकर गए हैं उसके पीछे यही मकसद था कि ऐसी ये जो इनके ऊपर जुल्म ज्यादती करेंगे तो ये कौम अपने ही खूब एजेंडे में चली जाएगी, खौफ हिरास में आ जाएगी। और आज हम बोलना चाह रहे थे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ हिरास में आने वाले नहीं, मोदी और शाह कितना हमसे डरते हैं वो आपको भी मालूम होगा, मीडिया में जहाँ जहाँ भी जाते हैं वो SGPI का नाम लेते हैं, वो डर है उनका। लेकिन जो हम कह रहे थे, आज बच्चों के रेप हो रहे हैं, लिंचिंग्स हो रही हैं, कहीं भी एनकाउंटर कर दिया जाता है, अदालत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो UAPA जैसे कानून लगाए जा रहे हैं,
अब जो महंगाई आ रही है, जो बेरोजगारी हो रही है, जो मूलभूत सब लोगों की जो अहम जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सबके हाथ से जा रही है, तो इसमें पूरे देश को समझना है, क्या बेरोजगारी सिर्फ मुसलमानों के लिए आई, क्या महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए आई, ये समझने की ज़रूरत है। ये सरकार जो यहाँ पर आपको हमको बेवकूफ़ बना के आ रही है, इसको अगर आपने नहीं समझा, ये आपको इन्हीं चीज़ों में उलझा के रखेगी। आप देखिए, लिंचिंग आपको दिखाया जाता है कि मुसलमानों की लिंचिंग होती है, आप आंकड़े देखिए, दलितों की, ट्राइबल्स की ज़्यादा लिंचिंग हो रही है। आप इसके बाद आगे चलिए, रेप कैसे जो हो रहे हैं हमारी दलित बहनों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। आज जो बेरोजगारी मैंने बताया, वो क्या एक अकेले मुस्लिम्स पे आ रही है, तमाम को आ रही है, सब लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। और देश आप देखिए, बिल्कुल पूरे देश को बेच दिया है, हमारी रेलवे बेच दी है, हमारा जो एयर इंडिया है वो बेच दिया है, हमारे अलग अलग जो सेक्टर्स से इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स हैं, अलग अलग सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। ये आप देखिए कि आने वाले वक्त में आपको लगेगा कि ये सड़क ये भी बिक गई है, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। पॉइंट क्या है इसमें, हमारा अर्ज करने का कि देश को समझना चाहिए और तमाम मुसलमानों को समझना चाहिए कि अगर आपने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आपने उन नाइंसाफ़ी करने वालों का हाथ नहीं रोका, तो ये लोग यहीं नहीं रुकेंगे। आज मुसलमान देखें कि वो जब कहते थे हम लोग की बाबरी मस्जिद की आवाज़ उठानी चाहिए और वहीं तामीर होनी चाहिए, जब हम लोग बोलते थे तब लोगों को लगता था, अजीब लगता था कि ये लोग आरएसएस के खिलाफ क्यों इतना बोल रहे हैं। आज वही लोग मथुरा और काशी तक पहुंच गए। उनका जो एक प्रचारक के डिप्टी सीएम है, वो आदमी आज जो है ट्वीट करके बोलने की हिम्मत हो गई, उस पर यूएपीए नहीं लग रहा है, उनके ऊपर जो कैसेस हैं वो सारे वो लोग निकाल लेते हैं। योगी खुद एक क्रिमिनल है, उसने निकाल लिया गया, तड़ी पार आपका होम मिनिस्टर बन जाता है, तो आप सोचिए होगा क्या इस देश का। ये लोग आपको अलग अलग एजेंडों में उलझाएंगे, इसलिए जो 6 दिसंबर का जो दिन है, जब तक हम लोग एक दिन इंसाफ को हासिल नहीं कर लेते, हमारी मौत तक या हमारी आने वाली नस्लें इसको भूल नहीं सकती, तामीर तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र ने जो हमको हक दिया है, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि सफ़ी साहब, मैं जो है विजय दिवस जहाँ मनाया जा रहा है और काले दिवस के दौरान भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ डंके की चोट पर मंचों से ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमानों को काटेंगे, तलवारें लहराई जा रही हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, और दूसरा कुरान शरीफ को बैन कर देना चाहिए, जितने भी मदरसे मस्जिद हैं उसको जो है बैन कर देना चाहिए। इवन अगर रघुराज ठाकुर रघुराज सिंह की बात की जाए, जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो मथुरा पर बलि लेने देने तक की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं जो हिंदू मुसलमान के नाम पर 2024 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। बहुत सही, आपने खुद ही अपने सवाल के आखिर में बताया कि ये जो इलेक्शन है, ये मुद्दों पर तो जीत नहीं सकते, क्योंकि कोविड में लाशें पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखी हैं, उस पर जीत नहीं सकते हैं। और इनको ये गलत फहमियाँ हो गई है कि सरकार इनकी है, हम लोग कुछ भी मनमानी कर लेंगे और हम कुछ भी फैसले दिखवा देंगे, हम कहीं भी मीडिया से हम जो चाहेंगे वो यहाँ पर नज़र करवा देंगे, क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, आप तो जानते हैं सब जिस तरीके से मीडिया प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो गलत फहमियों का शिकार, और जब लिंचिंग के बाद में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको माला पहना रहा है, तो उनकी गलत फहमियाँ, जब वो एक आदमी एक जो है उसको काट के और जला देता है और वीडियो बनाता है और लिंचिंग दिखाते हैं, तो उनको ये गलत फहमी हो गई कि अब मुसलमान जो है खौफ और हिरास में, इनको डराओ है ना, और यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, राज करो। नंबर वन, ये देश अब एक हो गया है। नंबर टू, ये गलत फहमी ना पालें, यहाँ बहुत सारे मोहम्मद शफी हैं, अगर ये आए तो इनको जवाब जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब मिलेगा इनको। इनके बाप दादाओं में दम नहीं है कि बली वली की जो बातें कर रहे हैं कर लें, गए वो जमाने। तो ये जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग तैयार हैं, उसमें हमें टेंशन नहीं है। तो जो टेंशन करनी है अब इन संघ परिवारों को करनी है, जो अभी अभी जवान हुए, चड्डी पहनकर पैंट पहनना सीखे हैं, उनको ये पता नहीं कि पैदाइश से ही और सालों से ही हमको, हमारा ईमान वो है कि हम जीते ही मरने के लिए हैं, है ना, और ये ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए जीते हैं, हम जीते ही मरने के लिए हैं, तो मौत का डर तो यहाँ है नहीं। इसलिए जो ये वहाँ पर सरकारी लवाजमे के साथ, सिक्योरिटी के साथ कुछ भी अनाप शनाप उलूल जुलूल बोल लेते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो जो निकाल रहे हैं, ये बच्चा गिरी है, ये बहुत बड़ा बच्चा गिरी है, जो संघ परिवार इनको टूल बना के काम कर रहा है, ये बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। इसलिए आने वाले जो समय है वो संघ परिवार का नहीं है, हक और बातिल का है।
ये जो बातिल जितना भी अलग हो जाए और संघ परिवार के साथ कोई मुसलमान खड़ा हो, कोई भी कास्ट कम्युनिटी का खड़ा हो, वो मानसिक बीमार है। वसीम रिजवी जैसे जो लोग हैं जिनका नाम लेना भी जो है हम लोग तो बराबर नहीं समझते, जिसकी वजह से आपने कहा कि ये कुरान की बात कर रहे हैं, इनकी औकातें नहीं हैं, इनको जवाब नहीं मिले हैं, तो अब उनको याद होना चाहिए कि यहाँ पर बराबर से जवाब देने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जैसे मूवमेंट हैं जो हमेशा जीते ही मरने के लिए हैं, यही जवाब। क्योंकि शफी साहब मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मथुरा को लेकर के जो एक भ्रमक फैलाया गया कि आज मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख देंगे, तो दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से भी सामने आती है, हर फ्राइडे के दिन जो है वहां पहुंच दिया जाता है कि खुले में नमाज बंद करो। इवन इस बार तो इमाम साहब के ऊपर भी हमला करने के लिए कूद पड़े थे। कैसे देखते हैं कि मस्जिदों को बैन करने की बात, मस्जिदों के अंदर मूर्तियां रखने की बात कैसे देखते हैं और किस तरीके से हल निकाला जा सकता है इन चीज़ों? सिवाय आने वाले इलेक्शन के कुछ नहीं। दूसरा, यहाँ पर वो लोग जब तक, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आवाम को, लोगों को समझना चाहिए ये बहुत छोटी तादाद हैं, बहुत नहायत कमज़ोर लोग हैं। जिस बीजेपी को, आरएसएस को अब इतना मजबूत समझ रहे हैं, वो नहायत कमज़ोर खोखले लोग हैं। और ये चंद लोग दिखते हैं आपको, 125 करोड़ तो नहीं आते ना वहाँ पे, 10-20-50-60 लोग जो उनके पैसे से खरीदे हुए जो गुलाम हैं, जिनको मानसिक बीमार हैं, जिनको गलत चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, सिखा दी गई हैं, वो चंद लोग आते हैं। इसलिए पहली चीज़ तो ये कि आवाम को ये समझना चाहिए कि इनसे किसी तरह की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेले 4-10-20 लोग देख रहे थे इमाम साहब को और इनको, वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ खड़े थे, कुछ नहीं होने वाला। और ये कुछ करेंगे क्या करेंगे, 10-20 लाख कितने लोगों को क्या कर लेंगे ये, इसलिए पहले जैसा ना समझें। अभी संगठन है अपनी भी हिफाजत करने के लिए, अपनी मस्जिदों की, इबादतगाहों की हिफाजत करने के लिए, मजलूमों की और जो पसमानदा लोग हैं, दलित भाई हैं, उनकी भी हिफाजत करने के लिए और इस देश की भी हिफाजत करने के लिए हम जैसे मूवमेंट हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। देश को भी डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी आवाम को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तमाम तंजीमों से मथुरा को लेकर के बात की, तमाम लोगों का ये कहना था कि मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को इस पूरे इंसिडेंट पर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। खामोश करके जो पॉलिटिकल एजेंट्स पहले थे, जो इंडस्ट्रीज चला रहे थे, क्या किया उन लोगों ने? जिन पार्टीज़ को मुस्लिम्स ने सोचा कि ये लोग इंसाफ के लिए आएंगे, अपोजिशन पार्टीज़, वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी के साथ अलायंस किए, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलएज़ हैं वो सब लोग कहाँ गए हैं? वो लोग बीजेपी में चले जाते हैं खरीदो फरोख्त के साथ। अरे साहब, ये देश सबका है, यहाँ पर आप अगर कोई मोहम्मद शफी आवाज़ उठा रहा है तो उस मुसलमान की आवाज़ मत सोचिए, वो आवाज़ देश की आवाज़ है, भारत की आवाज़ है। या मुसलमान है तो वो देशवासी नहीं है क्या? मेरे ऊपर अगर आप हमला कर रहे हो तो मैं बोलूँगा ना, दूसरा तीसरा क्या करेगा बोल के? इसलिए जब मेरी आवाज़, मेरे ऊपर आपने जुल्म किया है तो मैं अपना डिफेंस करना और मुकाबला करना जानता हूँ। मुझे अब ये लोगों की ज़रूरत नहीं है, दलालों की, एजेंटों की, कि जो लोग बाद में चले जाते हैं उन्हीं आइडियोलॉजी के साथ जो कि यहाँ के गूंज को यहाँ तक पहुँचा दिया, सत्ता तक पहुँचा दिया। इसलिए ये चीज़ों की फिक्र करने वाले हम लोग नहीं हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ऑलरेडी अब क्या लेके जाना चाहते हो? पूरे देश को फांसीवाद ने कब्जा कर लिया, देश गरीबी की रेखा में, मतलब हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल एशिया के अंदर हमारा हंगर स्ट्राइक में सबसे नीचे है, भुखमरी में आ गया ये देश। हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग जो हैं भूख से मर रहे हैं। आप कुपोषण के 34-35 लाख बच्चे जो हैं, 34-35 लाख बच्चे जो हैं कुपोषण से मर रहे हैं, वो देश को देख नहीं पा रहे हैं और ये लोग ये सब तमाम चीज़ों को लेके आ रहे हैं। तो हम लोग ये समझना है, ये हम लोग समझना है कि ये लोग यहाँ पर भ्रमित कर रहे हैं और हम लोग इसको अपनी आवाज़ जब तक बुलंद नहीं करेंगे, हम लोग जब तक आगे होके देश को बचाने के लिए नहीं आएंगे, ये देश बचने वाला नहीं है।